हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड शेयर के बारे में। 23.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 4% की हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक का अगर हम 52 वीक रेंज की बात करें 104 रुपये। आज इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, क्या स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या फिर स्टॉक में गिरते टर्म्स में सेल कर देना चाहिए लॉस को उठाते हुए। इस स्टॉक में इसी पर करेंगे डिटेल एनालिसिस। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये स्टॉक जब बड़ा था तो बहुत ही कंसोलिडेशन के साथ बड़ा था, बिकॉज इसमें जो ट्रेंडिंग न्यूज़ थी जो इसके बारे में लोग बता रहे थे तो लोगों को इस पर ट्रस्ट जनरेट हुआ एंड बाइंग भी अच्छी खासी देखने को मिली इस जगह पर। बट उसके बाद हमें जो स्टॉक में देखने को मिला, अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर आपको सेलर्स इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, बट स्टॉक में गिरावट कंटिन्यूस फॉर्म में दिखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गिरावटी वाली बात है कि स्टॉक में जो फंडामेंटल थे वो भी स्ट्रॉन्ग थे, बट जो अभी मेन बात हुई है स्टॉक के अंदर वो है इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट है। क्वार्टर के रिजल्ट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर एंड इन द प्राइस बेस अगर हम बात करें तो। स्टॉक में अगर हम बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो वो भी कहीं ना कहीं 74% के आसपास हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें FIIs की तो नो डाटा फॉर FII है और DIIs भी मुझे नहीं लगता कि कोई होंगे इसके अंदर। बट पब्लिक में अगर हम देखें तो ऑपरेटर्स की एंट्री हमें बहुत ही तगड़ी देखने को मिल रही है पिछले टाइम से। अगर हम बात करें पब्लिक और ऑपरेटर्स में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अगर आप देखें बीच के मंथ में आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली होगी, बट किसी ऑपरेटर ने अगर एग्जिट लिया होगा तो हमें डाउनफॉल कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है एंड इसमें बहुत से लोगों का लॉस भी हो रहा है। अगर हम बात करें कि हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए, देखिए स्टॉक में अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक में फिलहाल मेरे हिसाब से आपके लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसके डाटा एनालिसिस को देखूं तो आपको ये समझ में आएगा कि जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें पिछले 3-4 क्वार्टर से जीरो दिखाई दे रहा है। ये मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट पर देख रहा हूँ, ये एक काफ़ी नामी वेबसाइट है एंड इस पर हमें ये चीज़ जीरो नज़र आ रही। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में पहले आप अगर देखें अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, बट अब के टाइम पर अगर आप देखें तो हमें एक गिरावट कंटिन्यूस फॉर्म में देखने को मिल रही है। अगर हमें स्टॉक में अप मूवमेंट देखना है तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट जनरेटिंग स्टॉक बनना होगा, वो मुझे नहीं लगता इन द अपकमिंग टाइम 2-4 महीने में ये बनने वाला है। सो स्टॉक में गिरावट आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगी एंड स्टॉक में गिरावट और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। स्टॉक को बाय अभी ना करें, स्टॉक में जब और भी गिरावट आए अराउंड ये 16 or 15 रुपीज़ के पास आपको देखने को मिलेगा तब हम इसमें बाइंग बनाएंगे। एंड जो देखिए होल्ड किए हुए हैं, मेरे हिसाब से आप अगर हल्के हल्के परसेंटेज के अगर साथ इसमें एग्जिट बनाते रहें इस स्टॉक से तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वी हैव ऑल डेफिनेट अदर स्टॉक्स इन विच वी कैन इन्वेस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम और द लॉन्ग टाइम। तो इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट बनाएंगे तो डाउनफॉल ही जाएगा, हो सकता है एक साल में अगर इसमें कोई अप ट्रेंड देखने को मिले, बट अभी मुझे नहीं लगता फिलहाल के लिए कोई इसमें अपॉर्चुनिटी बनती है।